गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम कीर्ति तिवारी एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रैक्टिस पेपर फोर फ्रॉम डॉक्टर रंजीत सिंह सो गाइज जो लोग टी जी की तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उन्हें सीरीज की सभी वीडियोज़ मिल सकें और चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर देखिए प्रैक्टिस पेपर फोर का पहला क्वेश्चन है मिल्टनस एरियोपैजिटिका वॉज पब्लिश्ड मिल्टन की एरियोपेजिटिका पब्लिश हुई थी तो कब ये पब्लिश हुई थी तो ये पब्लिश हुई थी तेईस नवंबर सोलह सौ चौवालीस को और जब तक इसको लाइसेंस इश्यू नहीं हुआ था लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बिना लाइसेंस के अप्रूवमेंट दे दी थी अप्रूव कर लिया था सो ये पब्लिश हुई थी विदाउट लाइसेंस तो आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट विदाउट अ लाइसेंस एरियोपेजिटिका वॉज पब्लिश्ड ठीक है

एज द ओल्ड प्रोटी एस डिड हु स्पीक्स तो ये जो लाइन्स हैं ये भी सारे, ये भी मिल्टन ने असर्ट की है सोलह सौ चौवालीस और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है मिल्टन का नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री इन विच वर्क मिल्टन राइट्स कौन से वर्क में मिल्टन ने एवॉब लाइन्स लिखी हैं? Love, virtue, see, so, है लव वर्च यू सी एलोस इज फ्री सो ये लाइन्स ली गई है कॉमर्स से तो आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर इन विच वर्क मिल्टन अटैक ए अथॉरिटी ऑफ चर्च गवर्नमेंट एंड लिटर्जी बाई एम्फेजिंग हाउ एन इंडिविजुअल्स रीडिंग ऑफ द बाइबल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर कंसिडरेशन एंड दैट पर्सनल प्रेयर्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन एनसी फॉर्म ऑफ वर्सिप तो कौन से वर्क में मिल्टन अटैक करते हैं अथॉरिटी ऑफ चर्च गवर्नमेंट पर ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा एनीमेड वर्जन सोलह सौ इकतालीस एक्चुअली इनका थर्ड uh, पैम्फलेट था पैम्फलेट था जिस किसके अंगेंस्ट था जो चर्च गवर्नमेंट होती है उसके अंगेंस्ट इन्होंने एक पैम्फलेट लिखे थे पांच उसमें से ये तीसरा है एनिमेट वर्जन इसमें इन्होंने अटैक किया है चर्च गवर्नमेंट पे ठीक है तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा एनिमेट वर्जन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव वट इज़ द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट्स इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है सो ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी ठीक है ए बी ए बी बोलना है आपको दो बार फिर सी डी सी डी फिर ई एफ ई एफ लास्ट में जी जी सो ये होती है हमारी इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम और देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स मिल्टनस टाइटल फोर हिज मास्क वॉज नॉट कॉमर्स दिस वॉज इम्पोज लेटर वाई स्कॉलर्स बट बट रियल टाइटल वॉज ठीक है मिल्टन ने जो कॉमर्स लिखी थी ना उसका जो उन मिल्टन ने उसको ये कॉमर्स जो है टाइटल नहीं दिया था बाद में स्कॉलर्स के द्वारा ये टाइटल दिया गया था मिल, न, इसको कॉमर्स को तो जो कॉमर्स है उसका ऑरिजिनल टाइटल क्या था सो so, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लूटलो कासल ये वाला इसका ऑरिजिनल टाइटल था क्योंकि ये जो अर्ल ऑफ व्रिज बाटर हैं उनकी सेरेमनी पर लूटलो कासल में इसको परफॉर्म किया गया था इस मास्क को so, सो इस, यही इसको नाम दे दिया गया था उस समय बाद में इसको कॉमर्स कहा गया नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन इन विच वर्क मिल्टन मेक्स द फॉलोइंग क्रिटिकल रिमार्क्स कौन से वर्क में मिल्टन ने क्रिटिकल रिमार्क्स किया है द रोमन हैड अ टाइम वंस एवरी ईयर वैन देयर आर माइट फ्रीली स्पीक देयर माइंड्स दे आर हार्ड इफ द फ्री बॉर्न पीपल ऑफ इंग्लैंड With whom the voice of truth for these many years even against the proverb hath not been heard, but in corners after all your monkeys monkeys, prohibition uh, provision and expurgations, expurgatorious indexes, your seizes and sniffles, your proud um, pre, uh, matures not be obtained without the sallow survey. हट नॉट सेलो हैंड ऑफ सम मर्सिनरी नरोसोल एंड लिटरेचर चैपलेन सो ये भी इन्होंने एनिमेट वर्जन में सर्ट किया है तो आपका आंसर हो जाएगा सोलह सौ इकतालीस तीसरा वाला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट एरियोपेजिटिका इज टेकन एज ए रेडिकल डिमांड फॉर डेस एंड स्पेशली ऑफ तो आपका यहाँ पे द ब्लैक्स स्पीच प्रिंटिंग ठीक है पहला हो जाएगा एग्योपेजे का एज द रेडिकल डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर था ये वर्क इनका एंड स्पेशली ऑफ प्रिंटिंग और किसकी प्रिंटिंग बुक्स की सो आपका ये सही हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए जेन्स जा, जी फ्रस्ट टेल मिस्टर वेन टू एवंजन द प्ले बिकॉज ही वुड नॉट टेक लिबर्टीज विद द पब्लिक वा वॉट द पब्लिक वॉन्ट ही बिलीव्स इज़ तो ये जो अलाइंस हैं ये ली गई हैं पंच एंड गो से गार्ल्स वर्दी का प्ले है ये तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टेन विच प्ले आर सजेस्टेड बाई जे जेन्स जी फ्रस्ट टू पुट टू रिहर्सल प्ले विच हैप पॉप इन दैम एंड कैन ऑफर द पब्लिक चीप एंटरटेनमेंट है ना तो कौन सा प्ली सजेस्टेड किया गया है जी फर्स्ट के द्वारा सो लुइसा लॉसेज एंड प्रॉप गोज द वेसल तो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एलेवन एन एलेक्जेंड्राइन इज़ द लास्ट लाइन ऑफ यानी एलेक्जेंड्राइन लाइन जो होती लास्ट लाइन होती है किसकी ये लास्ट लाइन होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा की ठीक है तो आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली फ्रेंड्स है जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होती है वो नौ लाइन की होती है ठीक है तो जो हमारी एट लाइन होती हैं वो तो हमारी आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और जो नवी लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है तो उस नवी लाइन को ही अलेक्जेंड्राइन लाइन बोला जाता है आई होप आपको समझ आ गया होगा है ना एलेक्जेंड्राइन लाइन इज द लास्ट लाइन ऑफ द स्पेंसेरियन इस स्टेंजा तो जो स्पेंसेरियन इस स्टेंजा की जो नवी लाइन है उसी को अलेक्जेंड्राइन लाइन बोला जाता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द टेरेजा रिमा इज़ अ स्टैंडा ऑफ जो टेरेजा रिमा है वो थ्री लाइन की स्टैंजा होती है हालांकि इसमें भी फर्दर कैटेगरी होती हैं ठीक है थीके? कुछ तो सीधे सीधे होती हैं और कुछ है ना राइम करती हैं ठीक है थीके? एक दूसरे के साथ तो आपका तीसरा यहाँ भी सही हो जाएगा थ्री लाइन्स की एक स्टैंजा को टेरेजा रिमा भी कहते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन द स्पेंसेरियन हैज स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है मैंने अभी ऊपर बताया था आपको नाइन लाइन्स होती हैं ठीक है एट होती हैं एम्बिक पेंटामीटर में और नवी होती है एम्बिक हैग्जाम है में। तो ये आपका हो जाएगा सही नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एन एम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स तो जो एम्बिक पेंटामीटर एम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें लाइन होती हैं फाइव फीट है ना उसमें फाइव फीट होते हैं आपका ये सही हो जाएगा एक एन एम एक एम्बिक पेंटामीटर में फ़ाइव फीट होते हैं पेंटा का मतलब ही पाँच होता है नेक्स्ट देखिए फाइव द एम्बिक पेंटामीटर इम्प्लीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है एम्बिक पेंटामीटर निम्न में से किस में इम्प्लीज करता है यानी इसमें कौन सा इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है तो आपका डी सही हो जाएगा द पैटर्न अनस्ट्रेस स्ट्रेस रिपीटेड फाइव टाइम ठीक है तो डी सही हो जाएगा देखिए क्योंकि इसमें जो दो सिलेबल होते हैं पहला अनस्ट्रेस होता है और दूसरा वाला सिलेबल स्ट्रेस होता है तो ये पैटर्न पाँच बार फॉलो किया जाएगा तो ये आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन लेट्स गो दैन यू एंड आई वन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अंगेज द स्काई लाइक ए पेसेंट इथराइज अपॉन अ टेबल है ना तो ये जो फेमस लाइन है ना ये एलियट की है तो ये लाइंस कौन सी देखिए क्या लिख रहा है द एब लाइंस हैव बीन रिटन इन यानी कौन सी फॉर्म में ये लिखी गई हैं तो ये जो लाइंस थी ना ये प्रूफ रोक वर्क एंड एलियड का वहां से ली गई हैं और लिखी गई हैं फ्री वर्स में तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपैरिजन जिसमें कंपैरिजन होता है इज़ मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज़ ऑफ द वर्ड लाइक और एज इज़ टर्म्ड ठीक है तो यानी कि ये कह रहे हैं ये इसमें ये पूछा जा रहा है एक फिगर ऑफ़ स्पीच जिसमें कंपैरिजन तो होता है लेकिन विदाउट यूजिंग दिस वर्ड दिस वर्ड जैसे लाइक और एज तो वो क्या होगा तो वो मेटाफर होगा है ना एक्चुअली मेटाफर और सिमली दोनों में ही कंपैरिजन होता है लेकिन जो जो सिमली है उसकी ये पहचान है कि उसकी जो कंपैरिजन शुरू होगा सिमली उसमें शुरू होगी लाइक like और एज जैसे वर्ड से लेकिन जो मेटाफर होता है उसमें डायरेक्टली कंपैरिजन होता है उसमें ये वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता है तो आपका डी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टीन द फिगर ऑफ स्पीच ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज तो ये इज लाइक अ रेड रेड रोज यानी कि लाइक like है यहाँ पर तो आप समझ जाइए इसमें सिमली है तो आपका सिमली सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हु डिनाइड एडम द रोल ऑफ एपिक हीरो जस्ट बिकॉज ही वॉज अल्टीमेटली वॉन ओवर बाई सेटन तो ये किसका किसने डिनाइड किया किसका स्टेटमेंट है जॉन ड्राइडन का तो सी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मिस्टर फ्रूस्ट इज थ्रोली करप्टेड बाई द एड्रेंस टू द कमर्शियल वैल्यू ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर ही ओनली नोज दैट ही मस्ट गेट प्रॉफिट नो मैटर इफ इट कॉस्ट द एक्सपल्सन ऑफ आर्ट फ्रॉम द स्टेज ही रिफ्यूज टू स्टेज ऑर्फियज विद हिस ल्यूट ऑन द ग्राउंड दैट पीपल हैव गॉट नो यूज फॉर ब्यूटी एलगरी एंड ऑल दैट हाई ब्रो रैकेट एंड ही कैन नॉट एफोर्ड सच लग्जरी विच प्ले डील्स विद द एब एपिसोड तो कौन से प्ले में ये एबव एपिसोड है यह होता है सो द पंच एंड गो ये आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन विच प्ले ऑफ गार्ल्स वर्दी रॉबर्ट बेटन इन सीक्रेट सीक्रेट कंसल्टेशन विद बेस्टापल डिसाइड टू होल्ड अप द स्लेव ट्रेड स्लेव ट्रेड एक्सपीडिशन एज ए रेड हैरिंग फॉर द एक्सक्यूजन ऑफ हिज कुली लेवर स्कीम तो ये लाइंस जो हैं एव लाइन हैं ये किस प्ले की आ, किस प्ले को एक्सप्लेन कर रही हैं तो ई द फॉरेस्ट तो आपका ए सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखिए चार्ल्स वेंटर चार्ल्स वेंटर एक करेक्टर का नाम है ये लॉयर है एक वकील है ये एंड ए शेयर होल्डर और एक शेयर होल्डर है ऑफ द आइलैंड नेविगेशन कंपनी ठीक है आइलैंड नेविगेशन कंपनी का शेयर होल्डर है वकील है कौन चार्ल्स वेंटर सक्सेसफुली बैक्स द एडोप्शन ऑफ द चेयरमैन स्कीम ऑफ बाइंग द शिप्स विद द सेल्फ इस इंटेंसन ऑफ डूइंग अ फेवर टू हेथर एज रिकवरिंग अडेप्ट ऑफ थ्री हंड्रेड पॉउ्स फ्राम हेम बट वहन हे थ्रॉप हे थ्रॉप भी एक करेक्टर है डज नॉट सेटल हिज डाउट डेप्ट सॉरी यह डेप्ट होगा गलत मिसप्रंट हो गया डेप्ट एज ए रिटर्न फेवर वेंचनोअर

ली गई है तो आपका डी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री गार्स वर्दी पोर्ट इज लॉयल एंड डिवोटेड वाइफ थ्रू द करेक्टर ऑफ कोले हार्ड ब्लोअर इन सो ये जो करेक्टर है कोले ब्लोअर इन स्किन गेम में है तो आपका ये डी सही हो जाएगा द तो स्किन गेम भी गार्ल्स वर्दी का एक प्ले है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर in the last act of the play, play last act galsworthy put in her mouth a few sarcastically painful uh, painful words just a few moments before her death Vansi says to the young man who is who is charmed by her modesty i could not be a saint and martyr and i would not be a seller's doll neither one thing nor the other that is the tragedy find the name है ना फाइंड करना है आपको नेम ऑफ द करेक्टर एंड द प्ले यानी करैक्टर का नाम बताइए और प्ले का नाम बताइए सो करेक्टर का नाम तो क्लियर है ठीक है क्लियर और जो प्ले है ये द फ्यूजेटिव ठीक है फ्यूजेटिव का मतलब होता है भगोड़ा और ये जो क्लियर है ना ये एक आ, औरत है जो अपने पति को छोड़कर भाग जाती है सो इसी के ऊपर इस प्ले का इस प्ले का टाइटल फ्यूजेटिव पड़ा है और यही इसकी सेंट्रल करेक्टर uh, है ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इन द पोएम द डैनिस बॉय देयर आर रेफरेंसेस टू अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इट रेफर्स टू बीस्ट एंड वर्ड्स ठीक है इस पोएम में डैनिस बॉय एक पोएम है जिसमें क्या क्या रेफरेंस मिलता है हमें देखने को नेचर के रेफरेंस मिलते हैं बहुत सारे जैसे कि जानवर बीस्ट चिड़िया स्पेशली मेंशन किया जाता है माउंटेन पॉनीस को माउंटेन पोनीज को इसमें मेंशन uh, किया गया है द एवर पोइम इज कम्पोज बाय वर्ड्स वर्थ के द्वारा ये पोइम कंपोज की गई है ठीक है तो बी आपका यहाँ सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द पोइम इज इसली इज डेडिकेट डिडेक्टिक टेल ऑफ द रिफॉर्मेशन ऑफ ए हार्ड एंड एंड इनह्यूमन पोटर रेफर्स टू ए बार्किंग फॉक्स एंड द वाइल्ड कैट इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन आस हु इज हो इन इट्स फिडेलिटी एंड डिस्प्ले ऑफ ऑलमोस्ट ए ह्यूमन करेक्टरिस्टिक एड इन रिफॉर्मिंग द डैगनेरिट तो ये आपकी पोइम है पीटर वेल है ना तो आपका ये सही हो जाएगा जो कि आई थी अठारह सौ उन्नीस में एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हु रोड द पोएम ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स ठीक है ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनके ऊपर किसने पोएम्स लिखी हैं तो आपको ये देख के समझ लो द टू द कोकू द ईगल एंड द डव ईगल्स द नाइटिंगल द पैरट एंड द रेन द रेड ब्रेस्ट द थ्रस्ट द केस्ड टर्ट टर्टल डव है ना केज टर्टल डव, वाटर, आ, फ्लो ए रेड ने स्काई लार्क तो ये जो पोइम्स है केवल, केवल वर्ड्स वर्थ ही लिख सकते हैं है ना एनिम ये जानवर हैं चिड़िया वगैरह तो वर्ड्स वर्थ में लिखी है सारी पोइम्स कुकू वगैरह ठीक है और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वज हेमलेट एक्ूज इज हिज मदर हेमलेट तो अपनी माँ पे क्या दोषारोपण करता है वो उस पर आरोप लगाता है शी विटरिंग हिज फादर कि उसने उसके फादर को धोखा दिया है तो सी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वाई डज़ हेमलेट किल पोलोनियस पोलोनियस को हेमलेट क्यों मारता है तो कोई जानबूझ कर नहीं मार मारता गलती से वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था तो वो समझता है कि शायद क्लोडियस है तो मिस्टेकनली वो उसे स्टैप कर देता पर्दे के पीछे सो so, आपका आंसर सही हो जाएगा डी वाला बिकॉज ही मिस्टेक्स पोलोनियस फॉर क्लॉडियस क्लॉडियस की क्लॉडियस की गलती में वो पोलोनियस को मार देता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है थर्टी वाई डज जर्टूट थिंक हैमलेट इज मेड जर्टूट को क्यों ऐसा लगता है कि हेमलेट जो है पागल हो गया है तो जर्टूट को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि बिकॉज ही एपियर्स टू बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ क्योंकि उसने कई बार उसको देखा था वो अपने आप से बातें करता रहता था तो जटूट को लगने लगा कि ये पागल तो नहीं हो गया नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वॉट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हेमलेट हेमलेट को कौन क्या मैसेज देता है घोस्ट है ना तो वो उसे याद दिलाता है कि उसने अभी तक अपने फादर की डैथ का बदला नहीं लिया है तो आपका यहाँ डी वाला सही हो जाएगा ना टू रिमेंबर दैट ही हैज़ नॉट यट गॉटन रिवेंज तो उसे वो रिवेंज लेने के लिए याद दिलाता है तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू में हु रोट इट्स शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर एंड टाइल्ड सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर तो ये जो बायोग्राफी है विलियम uh, शेक्सपियर की किसने लिखी है तो निकोलस राव फर्स्ट बायोग्राफर थे विलियम शेक्सपियर के इन्होंने लिखी थी सो so ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हु हैज़ रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव तो ये जो फेमस पोएम uh, है ये लिखी है स्टैंडली वेल्स ने ठीक तो है तो आपका बी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एट वॉट एज शेक्सपियर अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्टेट फोर्ड वे आर यू डायड थ्री ईयर्स लेटर ठीक है किस एज में शेक्सपियर रिटायर हो गए थे स्टेट फोर्ड में रहने लगे थे और जहाँ पर वो तीन साल बाद मतलब उनकी डेथ हो गई थी तो आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा एज ऑफ फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था अराउंड सोलह सौ तेरह क्योंकि सोलह सौ सोलह में तो उनकी डेथ हो गई थी और जब वो मरे थे तो उनकी एज थी फिफ्टी टू फिफ्टी टू के आसपास उनकी एज थी 35, in which work Van Johnson presently held Shakespeare in now famous court as not of an ace but for all time. ठीक है कौन से वर्क कौन से वर्क में एक किसी वर्क में जॉनसन ने ये कमेंट किया था शेक्सपियर के ऊपर कि नॉट फॉर एन एज वो किसी एक पार्टिकुलर एज के लिए नहीं था बल बल्कि वो हर 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 एज में एलिजिबल है क्योंकि शेक्सपियर के कोर्ट अभी भी ऐसे हैं कि हम आज की जो लाइफ है आज की जो मॉडर्न जनरेशन है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं उसके कोर्ट्स तो उन्होंने एक अपने वर्क में लिखा था कि नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम जो कि अब एक फेमस कोर्ट बन चुका है किसका सो प्रीफियस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश इन सोलह तो आपका D सही हो जाएगा। इसका ये ये है। है। है इसके साथ ही इसकी शुरुआत होती देखिए क्वेश्चन नंबर एक work है, 64, 18, sorry, 1864 में आया। किसने लिखा है तो विक्टर ह्यूगो के द्वारा लिखा गया पी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच पोएम ऑफ वर्ड्स अ हार्ड हार्टेड ठीक है कौन सी पोइम वर्ड्स वर्थ की शुरू होती है इस डेस्क्रिप्सन से कि उन्हें हार्ड हार्टेड उसमें दिखाया गया है तो आपका आंसर हो जाएगा अभी देखिए और लाइन्स हैं इसकी सिनर इम्परवियस मतलब वर्ड्स वध को इस तरीके का दिखाया गया है इस पोईम में सिनर दिखाया गया है इम्परवियस टू द सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर हु मेक्स इज लिविंग एज एन इंटी नर टू हॉकर और पोटर इन वर्ड्स वथ नॉर्थन एक्सप्रेशन ऑफ अर्थ अर्थन अर्थनवि तो ये आपकी हो जाएगी पीटर बेल पीटर बेल में ऐसा दिखाया गया है डेस्क्रिप्शन वर्सवर्थ के बारे में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर दैट मिस्टर वर्ड्सवर्थ है ना फर्स्ट ईयर दैट मिस्टर वर्ड्सवर्थ एंड आई वर्न नाई वर्स मैं और वर्षवर्थ पड़ोसी थे अवर कन्वर्सेशन टर्न फ्रीक्वेंटली ऑन द टू कार्डिनल्स पॉइंट ऑफ पोएट्री हु कमेंटेड किसका कमेंट रहा है ये सो कॉलरस का कॉलरज उनके साथ ही रहते थे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हु कंसीडर पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड रादर देन हर्ट ठीक है किसने पोइट्री को ऐसा माना है कि वो हर्ट हर्ट के बजाय दिमाग से काम करती है मतलब दिमाग से होनी चाहिए तो न्यू क्लासिकल जो पोइट थे उनका ऐसा मानना था कि जो पोइट्री है वो कैसी कैसा प्रोडक्ट है हेड का दिमाग का रादर देन हर्ट दिल का नहीं है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोइट मस्ट बी मैन पोजेस्ड ऑफ मोर देन यूजअल ऑर्गेनिक ठीक है सो आपका हो जाएगा आंसर बी सेंसिबिलिटी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द पोइट ठीक है वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री कैसी होनी चाहिए किसकी उसमें इंटरनल फीलिंग्स होनी चाहिए पोइट की ऐसी होनी चाहिए पोइट्री तो आपका सी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हाउ मैनी कॉजेज वर्ड्स वर्थ हैज़ मैंसनड है ना दैट लीड टू पोइटिक कम्पोजिशन ठीक है पोइटिक कम्पोजिशन को करने के लिए है ना कितने सारे काजेज दिए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो उन्होंने सिक्स कॉजेज दिए कि आपके पास कम से कम इस पोइट्रिक कम्पोजिशन के लिए सिक्स कॉजेज होने चाहिए नेक्स्ट देखिए फोर्टी थ्री इन हिज़ कंट्रोवर्सियल नॉवल द सैटनिक सैटेनिक वर्सेज सलमान रुजदी एडेप्ट मेजर मोटिवस एंड प्लॉट एलिमेंट फ्रॉम डैस सच एज फॉल एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन तो ये इन्होंने अपना नॉवल की जो थीम है सोर्स है वो ली है पैराडाइज लॉस से तो आपका बी सही हो जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर लिब्बा ब्रेज यूज़ ए कोट फ्रॉम पैराडाइज लॉस टू नेम द सेकंड बुक ऑफ अर ट्रायलॉजी ठीक है अपनी ट्रायलॉजी की सेकंड बुक का नाम रखने के लिए वो एक पैराडाइज लॉस लॉस्ट से उन्होंने एक कोट का यूज़ किया लिबा ब्रेज ने तो उन्होंने अपनी बुक का नाम रखा रेवल एंजल तो आपका ए सही हो जाएगा कोटिंग फ्रॉम इट टू रेन इज़ वर्थ एम्बीशन दो इन हेल बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन तो ये इनका जो साटन का कोट है ना वहाँ से ही इन्होंने ये जो है अपना बुक का टाइटल है वो लिया है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव नैम द अमेरिकन ऑथर एक अमेरिकन ऑथर है रूट पैराडाइज लॉस जिन्होंने पैराडाइज लॉस नोवल लिखा है द नावल इन उन्नीस सौ चौरानवे बेस्ड अपन द एपिक पोईम ये उन्नीस सौ चौरानवे में उन्होंने लिखा था जो कि बेस्ड है uh, जोसेफ लेंजारा की एपिक पोइम पर ठीक है तो आपका सी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द डैव एडववोकेट ठ ठ ठ ठ ठीक एक डैवल अमेरिकन ड्रामा है जिसमें डैवल एडवोकेट नाम से एक नॉवल उन्नीस सौ सतानवे पे क्यानो करैक्टर इज़ नेम्ड आफ्टर सो एंड्री नेडरमैन का नेडरमैन का ये नॉवल है एक उन्नीस सौ सतानवे में आया जिस पर मूवी बनी है तो ये जो पैक्यानो करैक्टर है ना ये जॉन मिल्टन के ऊपर है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन मिल्टन डिफाइन इज ब्यू ठीक है ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी मिल्टन ने अपने व्यूज़ uh, जो हैं, हैं तो ग्रीक ट्रेजेडी को लेके व्यक्त किए हैं इन द प्रीफेस टू तो सैमसन एगोनिस्ट के प्रीफेस में इन्होंने अपने व्यूज़ ग्रीक ट्रेजेडी पर व्यक्त किए हैं तो सी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट ट्रेजडी एज इट वॉज एंसिनटली कंपोज हैथ बीन एवर हेल्ड द ग्रेवेस्ट मॉलेस्ट एंड मोस्ट Profitable of all other poems, therefore, said by Aristotle to be of power by raising pity and fear or terror to purge the mind of those and such like passions, that is to temper and reduce them to just measure with a kind of delight stirred up by reading or seeing those, those passions well imitate. नॉर इज नेचर वॉन्टिंग इन हर ओन इफेक्ट टू मेक गुड हिज एसरसन फोर्सो इन फिजिक थिंग ऑफ मेलंकली ह्यू एंड क्वालिटी आर यूज अंगेस्ट मेलंकली सो रंगेस्ट सो सॉल्ट टू रिमूव सॉल्ट ह्यूमर्स इन विच वर्क बिल्टन रोटेड तो कौन से वर्क में बिल्टन ने ये सब कुछ लिखा है सो सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है ये लाइन सारी ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन रिलीजन वॉज नियरली डैड बिकॉज देयर वॉज नो लें लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ बट समथिंग वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक इट प्लेस सर्विस सोशल सर्विस द आंट क्रीड द बीस क्रीड हु सैड सो जॉन गाज वर्दी सैड इट ये सही है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वेन मैन इवॉल्व पिटी ही डिड एक्अर थिंग्स डिप्राइव हिमसेल्फ और पावर ऑफ लिविंग लाइफ एज इट इज विदाउट विशिंग इट टू बिकम समथिंग डिफरेंट हुड किसने कहा ये सो so, ये लाइन्स भी ग्सवर्दी की हैं सो so ये आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन हु कोट द फॉलोइंग लाइन इन जस्टिस जस्टिस में कौन ने ये line है कोट कोट की हैं द क्वालिटी ऑफ मर्स ई इज़ नॉट स्ट्रेंड ठीक है सो वॉल्टर हो के द्वारा ये लाइन्स बोली गई हैं और ये आप मुझे कमेंट करके बताना है कि ये शेक्सपियर की कौन सी फेमस प्ले की लाइन्स हैं बहुत इजी है और बहुत फेमस प्ले है उनका नेक्स्ट देखिए कन्फ्लिक्ट आर ऑफ टू काइंड कन्फ्लिक्ट कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है एक्सटर्नल और एक कैसा होता है इंटरनल दो कन्फ्लिक्ट होते हैं तो आपका ए सही हो जाएगा ना इंटरनल नेक्स्ट देखिए डिनोटेशन मीन्स डिनोटेशन का क्या मतलब होता है सो द लिटरेरी और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड यानी किसी वर्ड का लिटरल और प्राइमरी मीनिंग डिनोटेशन होता है तो ए सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर अ फीलिंग और आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाई ए पार्टिकुलर वर्ड ऑल दो इट नीड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग और समथिंग सजेस्टेड बाई ए ऑब्जेक्ट और सिचुएशन तो कन्नोटेशन हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट स्पेशली इन प्ले उसको क्या बोलते हैं बी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स ए इज अ लिट्रेरी डिवाइस फीचरिंग टू कंसेप्टिव लाइन्स टू कंसेप्टिव लाइन्स ऑफ पोइट्री दैट टिपिकली राइम एंड हैव अ सेम मीटर तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू कंसेप्ट कंसेप्टिव लाइन तो यहाँ पर आप समझ लीजिए टिप्लेट और स्टेंजा तो होगा नहीं यहाँ पर होगा कपलेट तो आपका आंसर कपलेट हो जाएगा देखिए सी हो जाएगा आपका आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन हु रिगार्डिड द मास्क ऑफ कॉमर्स एज द ग्रेटेस्ट ऑफ मिल्टन जूविन आयल परफॉर्मेंस सैट दैट इट मे बी कंसिडर्ड एज वर्दी ऑफ ऑल एडमरेशन विद विच दॉ वोटेरीज हैव रिसिव्ड इट डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट रहा है उन्होंने कामर्स को बहुत अच्छा मतलब वर्क बताया है मिल्टन का सो डॉक्टर जॉनसन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट अ रिपोर्ट ऑफ समथिंग सच एज पॉलिटिकल सिचुएशन और सिस्टम ठीक है और ए पर्सन वर्क और आइडियाज़ दैट प्रोवाइड्स ए जजमेंट स्पेशली एन नेगेटिव वन सच ए रिपोर्ट आर्टिकल इज कॉल्ड सो क्रिटिक कहलाता है ये ए हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन द चॉइस एंड यूज ऑफ मतलब द चॉइस एंड अरेंजमेंट या यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज इन स्पीच और राइटिंग ठीक है कॉल्ड डिक्सन ठीक है किसी राइटिंग या स्पीच में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड चॉइस को डिक्सन कहा जाता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक वर्बल अटैक अंगे समथिंग उसको हम क्या बोलेंगे डाया तो आपका ए सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन ए बॉबल साउंड इन विच द टंग चेंज पोजिशन जिसमें जो हमारी टंग होती है ना पोजिशन को चेंज करती है टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ टू बास जिसमें कि हमारी दो साउंड हमारी निकल सकें जैसे कि <coughs> तो उसको क्या बोलेंगे डिपटोंग बोलेंगे इसमें दो बॉवल साउंड होती हैं इसलिए हमारी जो जी जब हम एक मतलब जब मोनो जब हम प्योर बॉवल साउंड बोलते हैं ना तो हमारी जीव एक ही जगह रहती है हम बोल पाते हैं जैसे होता है ना हिंदी में अपने पढ़ाओ का हस्व स्वर और दीर्घ स्वर या फिर हस्त स्वर को बोलते हैं तो हम जैसे आ ई उ रे एक ही बारे में बोल देते हैं जीव वहीं की वहीं रहती है लेकिन जब हम संधि स्वर को उच्चारण करते हैं जिसमें दो स्वरों से मिलकर बनता है ना उसमें टाइम लगता है वैसे ही डिप, वैसे ही इंग्लिश में इंग्लिश में जब दो वर्बल्स मिले हुए होते हैं ना जैसे कि ए ई -E या ए आई जैसे माई बोलेंगे तो इसमें ए भी है और आई भी है दो साउंड मिले हुए हैं जैसे गो नाव इस तरीके से इसमें ओ यू ए यू की साउंड आ रही है तो ऐसे ये होता है डिपथों तो इनमें दो बोवल साउंड होती हैं इसलिए हमारी जो पोजिशन होती है वो अलग होती है बोलने में तो बी सही हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू वॉट डज प्रॉस्पेरो इन टेंट टू ड्रोन आफ्टर ही हैज़ रिकनसाइल्ड विद हिज एनमीज़ ठीक है क्या फेंक मतलब अपना फेंक देता है वो जब वो लोग एक हो जाते हैं अपने दुश्मनों के साथ मतलब उनका रिकनसाइलमेंट हो जाता है तो वो क्या ड्रोन कर देता है तो वो अपनी बुक को फेंक देता है जो उसकी मैज़िक बुक थी ना उसे वो फेंक देता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री वॉट डज कैलिबन से इन हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज कैलिबन क्या कहता है कि उसका जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है लैंग्वेज सीखने में वो क्या हुआ है कि वो ये जान गया है कि कर्ज कैसे दिया जाता है यानी श्राप कैसे दिया जाता है किसी को तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच करेक्टर डू स्टीफेनो एंड ट्रिकूलो मोस्ट क्लियरली पैरोडी ये किसके साथ इनकी पैरोडी की गई है किसके साथ क्लियरली पैरोडी दिखाई है तो एंटोनियो एंड सेबेस्टियन क्योंकि आपने देखा था से जो ये जिसने ये प्ले पढ़ा होगा उसमें पता होगा कि एंटोनियो एंड सेबेस्टियन इनका अच्छा एक ग्रुप बन गया था उसमें शिप में जब शिप पैक की घटना हुई है उस दौरान ट्रिंकुल और स्टीफेनो का भी एक ग्रुप बन गया था तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मोस्ट क्लियरली पैरोडी जो हरकतें ये कर रहे थे ना वही हरकतें ये कर रहे थे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव वॉट इज द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरोड ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म फाइनल कौन सा टास्क करने को कहता है प्रॉसपैरोड एरियल से तो वो कहता है उससे कि टू गिव द फ्लीट काम कि जाओ और जाके शिप को शांत कर दो है ना तो ऑन इट्स रिटर्न टू इटली सी वाला सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स वी आर टोल्ड दैट वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर हैज विजिटेड इंग्लैंड है ना एक करैक्टर इसमें इंग्लैंड की विजिट करता है इन द टाइम पेस्ट में विच वन वो कौन सा है करैक्टर ट्रिंकुलो ट्रिंकुलो इसमें बेसिकली इस टाइम में, uh, में एक फूल है जो क्लोन होता है ना वो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन बिगनिंग इन अबाउट उन्नीस सौ पचास विद द पब्लिकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनाइजेशन बाई द मैनोनी पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट हैव इंक्रीजिंगली अप्रोपियेटेड देंड री इंटरप्रेटेड इट इन लाइट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियोरी दिस न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द टेस्ट एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ द कॉलोनाइजर प्रोस्पयर ऑन द कॉलोनाइज सो आपका आंसर हो जाएगा ए एरियल एंड कैलीमन कुछ ज़्यादा लेंदी लेंदी क्वेश्चन इस बुक में हैं इतना कुछ लिख दिया इन लोगों ने सिक्सटी एट देखिए क्वेश्चन नंबर द टाइम पेस्ट इज प्रोबेबली द ठीक है जो, आ, प्ले दैट शेक्सपियर रोड बाई हिमसेल्फ है ना तो यहाँ पे जो खाली स्थान है इसे भरना है तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइम पेस्ट है वो शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है जो कि उन्होंने लिखा सो so, बी आपका सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन वॉट वॉज द लोकेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड टेम्पेस दैट शेक्सपियर ड्रू अपॉन वैंड राइटिंग द प्ले तो इसकी जो रियल लोकेशन है ना जो टेम्पेस्ट में रियल लोकेशन दिखाई गई है शेक्सपियर ने जो जिस पर ये प्ले लिखना शुरू किया वो बर्मोडा है बर्मोडा की यह लोकेशन है इसमें ठीक है तो ये आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सम आस्पेक्ट ऑफ द प्ले हैव द फीलिंग ऑफ ए हाईली स्टाइलिस्ड फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक म्यूजिकल एंटरटेनमेंट कॉल्ड ए यानी कुछ सम आस्पेक्ट ऑफ द प्ले हैव द फीलिंग ऑफ ए हाईली स्टाइलिज फॉर्म लेकिन यानी कुछ जगह इस प्ले के अंदर एक हाईली स्टाइलिस्ड फॉर्म को दिखाया गया है जो कि म्यूजिकल फॉर्म है एंटरटेनमेंट की फॉर्म है तो वो है मास्क क्योंकि यहाँ जो फर्डीनाड और मिरांडा की शादी होती है तो उसमें एक मास्क परफॉर्म होती है तो आपका सी, ये सी वाला सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए सेवेंटी वन इन द टाइम पे इज द मैजिकल करेक्टर दैट गिव अप हिज आर्ट हैज़ बीन ब्रॉडली इंटरप्रिटेड एज रेफरिंग टू विच रियल वर्ल्ड फिगर ठीक है आप समझ गए हो कि जो जैसे टेमपेस्ट में हुआ है ना कि जो मैजिकल करैक्टर कौन है टेमपेस्ट में प्रसपेरो वो लास्ट में क्या करता है गिव अप कर देता है अपनी आर्ट का तो उससे उससे कंपेयर करनी है आपको कि रियल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में ऐसा फिगर कौन सा है तो यहाँ शेक्सपियर से तुलना करी गई है प्रॉस्पैरों की क्योंकि शेक्सपियर भी रिटायर हो गए थे और स्टेट फोर्ड में आ गए हैं तो एक तरह से उन्होंने भी अपनी मैज़िकल पावर का त्याग दिया क्योंकि जब वो इंग्लैंड में थे और ड्रामा लिखते थे कम मतलब तो एक उनमें मैज़िकल पावर थी वो लोगों को खींचने की अपने पास मतलब पा जैसे ही उनका कोई ड्रामा आता था है ना तो लोग खींचे चले जाते थे थिएटर में शेक्सपियर में वो आर्ट थी सो so, कहने का मतलब यह है कि बस यहाँ पर जैसे उसने अपना त्याग कर दिया वैसे ही शेक्सपियर ने so सो शेक्सपियर हिमसेल्फ डी से हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू हे थ्रो नोज दैट द फ्राइट आर गोइंग नाउ दैट दे वुड नॉट गो अप एंड इट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी टू बाई द शिप बट ही इंटेंड टू डिफ्रॉड द कंपनी एंड द शेयर होल्डर ऑफ सिक्स थाउजेंड पाउंड

शोज हा दिखाती है कैसे वैन फैंसी इंटेंट टू हेरेस एंड एनॉय कैन पीवर द एविडेंस ऑफ जॉय मॉर्निंग इज अ टाइम रिच इन ऑडिटरी डिलइट ऑफ द वर्ड्स एंड द पोइम इज अमन रेस्पॉन्स टू द साउंड वैन फैंसी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ सेंडिंग सैड सैडोस आफ्टर थिंग्स नॉट सैड एज अ रिजल्ट द ब्लिथ रावन सीम टू क्रॉक ऑफ डैथ एंड द टू विफ ओल बिकॉम्स फॉर विडिंग ऑफ मिस है टू कंप्लेन द एवर पोएम इज कंपोज बाय सो द एवर पोएम कम्पोज बाय वर्ड्स वो बी आपका सही हो जाएगा मतलब इसमें मॉर्निंग एक्सरसाइज से रिलेटेड बातें उन्होंने बताई हैं कि जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं तब तो क्या क्या होता है कैसा माहौल होता है सारी चीज़ें देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर हु रोड द पोएम ये पोएम किसने लिखी so है द रैवरी ऑफ पुअर सुसन रैवरी ऑफ पुअर सुसन सो वर्ट्स की पोएम है ये बी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव इन विच पोएम ऑफ वर्ट्स द सोल्जर लवर इज फर्स्ट कंपेयर टू पैंथर एंड देन टू अ डॉल्फिन तो जो सोल्जर लवर है वो पहले किससे कंपेयर किया जाता है पैंथर से एंड देन डॉल्फिन ठीक है फिर डॉल्फिन से किया जाता है तो ये पोएम है द रुथ सी आपका सही हो जाएगा रुथ भी है ना वर्ड्स की पोईम है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स इन विच पोइम ऑफ वर्ड्स द सी हॉर्स दैट स्विम इन एन अप राइट पोजिशन इज रेफर टू है ना तो एंड द सी हॉर्स दो दिल्ड हिम टू डोमेस्टिकलंबर विदाउट सैन ऑफ मोशन कोच डा रॉकिंग वेव कौन सी पोईम में तो ये जो पोएम है वो है सॉन्ग फॉर द वंडरिंग जीव ठीक है डी सही हो जाएगा नंबर सेवेंटी सेवन हाउ डज सीज़र फर्स्ट एंटर द प्ले जूलियस सीजर जूलियस सीजर में जब सीज़र की एंट्री होती है वो कैसे होती है क्या दिखाया जाता है उसमें तो देखिए इन द ट्रिम्फल प्रोसेस ही हैज़ डिफीटेड उसमें मतलब उसका जो विजय महोत्सव है ना उससे उसकी शुरुआत होती है वो जीत के आया होता है है ना और किसको हरा के आता है ही हैज़ डिफीटेड द सन ऑफ इस डिसीज राइवल पॉम्पी पॉम्पी के सन को हरा के वो आ रहा होता है वहाँ से इसका कपे का शुरुआत होती है नेक्स्ट देखिए वॉट डज द से टू सीज़र सुथ सेयर क्या कहता है सीजर से तो वो कहता है बीवेयर मार्च विवेयर द ईड्स ऑफ मार्च मतलब द ईट्स ऑफ मार्च का मतलब होता है पंद्रह मार्च यानी कि जो इस महीने की पंद्रह मार्च जो तारीख़ है उसमें सावधान रहे उसकी जान को क्या है खतरा है विवेयर माने सावधान सूच सायर कौन होता है भविष्यवाणी करते हैं ना वो लोग वो होते हैं तो वो भविष्यवाणी करता है कि आपको पंद्रह मार्च को आपकी जान को खतरा है तो आप सावधान रहना है ना तो ईट्स ऑफ मार्च हो गया नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन वॉट डज एंटनी ऑफर सीज़र इन द मार्केट प्लेस एंटनी क्या ऑफ़र करता है सीजर को इन द मार्केट प्लेस द क्राउन उसको भेंट करता है वो ये सही हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टी वट फाइनली कन्विंस ब्रूटस टू ज्वाइन द कॉन्सप्रेटर्स है ना ब्रूटस को ज्वाइन कॉन्सपरेटर्स को जॉइंस करने के लिए क्या कन्विंस किससे वो मतलब कन्विंस हो जाता है तो वो एक फ़ोर्स लेटर प्लान्ट बाई कैसियस कैसियस के द्वारा एक फोर्स लेटर लिखा गया था उससे वो कन्विंस हो जाता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टी वन वाई डज़ कैलिफोर्निया अर्ग सीजर टू स्टे होम रादर देन अपीयर एट द सीनेट यानी कैलिफोर्निया एक्चुअली सीज़र की वाइफ है और ये क्या करती है ये सीज़र को कहती है घर पे रहने को सीनेट जाने को मना करती है क्योंकि इसने रात में एक बहुत भयानक सपना देखा जिसमें सीज़र बिल्कुल खून से लथपथ है उसको मतलब काफ़ी जगह उसके मतलब खंजर लगे हुए हैं उसके शरीर में और उसकी ब्लड निकल रहा है ऐसा उसने देखा सपना तो वो डर गई तो उसने कहा कि आपकी मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा आज आज के दिन आप घर पे रहिए और मतलब बाहर नहीं ना जाइए तो आपका ये सही हो जाएगा ना सी हैज़ हैड नाइट मेयर अबाउट हिज डेथ उसकी डेथ को उसने देख लिया था सपने में क्वेश्चन नंबर एट्टी टू कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम वर्सवर्थ पोइम द फ्लैश अपॉन दैट इन वार्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलीटूड एंड Then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. So, daffodils Next question number 83. The following assessment is made by the exponent or symbol held forth by metrical language must in different eras of literature have excited very different expectation. For example, in the age of Catullus, Terence, and Lucretius, सीअस एंड दैट ऑफ स्टेटियस क्लोडियन एंड इन आवर ओन कंट्री इन द एज ऑफ शेक्सपियर एंड बियम एंड फ्लैचर एंड दैट ऑफ डन एंड कॉली और ड्राइडन और पॉप तो जो ये जो है ना एसेसमेंट है ना ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ये इन पी फेस टू लिरल में तो बी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एटी फोर टील टिलस्टन हेज़ पॉइंटेड आउट इन हिज वर्क ऑन द पोइट्री ऑफ पोप है ना फिर डैस यहाँ वर्ड्स पर्थ आ जाएगा वर्ड्स वर्थ हैजू क्रिएट हिज ऑडियंस मतलब वर्ड्स वर्थ अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं पॉफाउंड एंड ऑडियंस और वेटिंग फॉर वॉट ही कुड गिव और वेट करते हैं कि वो उनको क्या दे सकते हैं तो वर्ड्स वर्थ आपका आ जाएगा यहाँ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एटी फाइव हु कैटेगरी गरी कली स्टेट दैट ही रोट फॉर द ग्रोटिफिकेशन ऑफ द रेशनल माइंड एंड हिज पोइट्री इज मीन फॉर द इंटेलिजेंट रीडर ठीक है तो वर्ड्स बर्थ हो जाएगा यहाँ पे भी ए सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड बी इट सेट of the shakespeare thou hadst as smooth uh, a comic vein fitting the soak and uh, in the natural brain as a strong conception and as cle clear a race uh, as any one that uh, traffic with the stage एक इसका statement रहा है सो माइकल ड्रेटन का है तो डी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एटी सेवन

और पैसन वॉज बट विल ठीक है तो ये जो एवो कमेंट है ना ये किया है शेक्सपियर के ऊपर टॉमस हेवुड ने नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन हु इन इज डेडिकेशन टू द वाइट डेवल है ना अपने वाइट डेवल वर्क में सोलह सौ सो बारह में उन्होंने लिखा एंड लास्टली विदाउट रॉन्ग लास्ट टू बी नेम्ड द राइट हैप्पी एंड कॉपियस इंडस्ट्री ऑफ मिस्टर शेक्सपियर मिस्टर डैकर एंड मिस्टर हे विशिंग वॉच आई राइट माइ टू बी रीड इन दियर लाइट ठीक है शायद मैं पढ़ा जाऊँ इनकी लाइट में इनके प्रकाश में लास्ट में उसने कितना अच्छा लिखा है ये सारे पोइट हैं ना इनका रेफरेंस उन्होंने अपने वर्क में दिया है और लास्ट में कहा कि शायद मुझे पढ़ा जाए इन लोगों के प्रकाश में तो ये जो कमेंट है ना ये जॉन बेवस्टार का है सी आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी हु रोट ए लैंड यूलोजी किसी ने एक लंबी लोजी लिखी है टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवर्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस इन विच ही आइडेंटिफाई शेक्सपियर एज अ प्ले राइट अपोइट अपोइट एंड एन एक्टर एंड राइट स्वीट स्वान ऑफ अवॉन व्हाट इज साइट इट वर टू सी दी इन अवर वॉटर्स येट अपीयर एंड मेक दो फ्लाइट अपॉन द बैंक ऑफ टाइम्स सो ये जो लाइन्स हैं ना ये शेक्सपियर के लिए लिखी है और थोड़ा सा रह गया है दैट्स वोट डिड टेक एलिजा एंड अवर जेम्स तो ये जो फेमस लाइन है ना ये बैन जॉनसन की है जिन्होंने शेक्सपियर की तारीफ की है स्वीट सान कहा है उन्होंने उन्होंने नेक्स्ट देखिए नाइन्टी वन क्वेश्चन हु सैड किसने कहा ये अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड ठीक है हमारे स्वीटेस्ट शेक्सपियर तुम तो कल्पना के बच्चे हो जॉन मिल्टन ने अपनी पोइम में कहा है शेक्सपियर में और हु हुड नाइन्टी टू क्वेश्चन देखिए नाइन्टी टू शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस मतलब किसने कहा है कि शेक्सपियर के पास हीरो नहीं है केवल हीरोइंस हैं क्योंकि जो उनकी हीरोइन है ना शेक्सपियर की बहुत शाइन करती हैं उनके प्लेज में हीरोइन को ज़्यादा मतलब हाईलाइट किया जाता है एक से एक हीरोइन को मतलब उन्होंने रखा है जैसे मिरांडा हो गई पोर्सिया हो गई अच्छी अच्छी हीरोइंस तो जॉन रस्किन ने कमेंट किया था कि उनके पास तो बहुत अच्छी अच्छी हीरोइंस हैं क्वेश्चन नंबर देखिए नाइन्टी थ्री क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री हू सैड आई डोंट रिमेंबर मुझे याद नहीं दट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड्स यू ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर ठीक है मुझे याद नहीं है कि किसी शायद ही किसी बुक पर्सन और किसी घटना ने मेरे ऊपर इतना अच्छा कमाल किया हो या इतना अच्छा मतलब मुझे इम्प्रेस किया हो जितना के प्ले ऑफ शेक्सपियर मुझे करते हैं ठीक है तो so, गूथे का कमेंट है ये शेक्सपियर पर बी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर

कि जो मैकवैथ है वो तो बहुत फास्ट है एक्शन में मैकवैथ में तो भाई फटाफट फटाफट उसने मर्डर पे मर्डर मर्डर पे मर्डर करता गया वो मर्डर बन गया वो एक अच्छा खासा सेनापति से मर्डर बन गया और हेमलेट में क्या है स्लोएस्ट एक्शन दिखाया गया है यानी एक ही मर्डर करने के लिए वो पूरे प्ले में सोचता रहा और लास्ट में क्या हुआ बेचारे का खुद ही वो मर गया तो आपका यही सही हो जाएगा यहाँ पर मैकवैथ हेलमेट नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स टॉमस कार्लाइन इन द लेक्चर ऑन ट्वेंटी सिक्स हीरोज़ अ पोइट दंते शेक्सपियर रोट विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर यू इंग्लिश नेवर हैव एनी इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर तो आप ऐसे ही हो जाएगा मतलब इंडियन एम्पायर से शेक्सपियर की तुलना की कार्ला है कार्लायल ने मतलब अकेले शेक्सपियर इंडियन एम्पायर के बराबर है भाई तो ऐसा तो नहीं हो सकता ये एक ये कमेंट थोड़ा इंडियन फिलोसफिक से मुझे नहीं अच्छा लगता ठीक है चलो नाइन्टी सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन हुड शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सहवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक नोटोरियस पोइंट है उन्होंने मतलब राइटर हैं उन्होंने कमेंट किया शेक्सपियर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट है अच्छा कमेंट नहीं माना जाता ये उनका सो बॉल्टियर है ये जिन जो शेक्सपियर को पसंद नहीं करते थे नेक्स्ट देखिए नाइन्टी एट क्वेश्चन नंबर नाइंटी एट देखिए हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स इन अ सोनेट प्रीफिक्स टू द फर्स्ट शेक्सपियर फॉलोइंग फॉलोइंग फोलियो सोलह सौ तेईस दोज हैंड्स विच यू सो क्लैप्ड गो नाव है ना दोज हैंड्स विच यू सो क्लैप्ड गो नाउ एंड रिंग यू ब्रिटेन ब्रेव फोर डन आर शेक्सपियर डेज his days are done that made the denity please which made the globe of heaven and earth to ring to ye comment raha hai huge holland ka on shakespeare next dekhiye question number 99 the final two sonnet of shakespeare the allegorical treatment of greek epigrams referring to the any final jo sonnet hai Shakespeare ki do wo kisko dedicate hain so लिटिल लव गॉड क्यूपिट वो क्यूपिड को डेडिकेट है उनकी लास्ट की जो टू टू सोनेट्स हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हंड्रेड शेक्सपियर सोनेट नाइन्टी नाइन हैज़ जो सो शेक्सपियर की दो सोनेट हैं सोनेट नंबर नाइनटी नाइन सोनेट नंबर एक सौ छब्बीस तो इनमें जो लाइन्स हैं वो कितनी कितनी हैं तो ठीक है जो ये जो निन्यानवे नंबर की जो सोनेट है इसमें पंद्रह लाइन है और जो एक सौ छब्बीस सोनेट है सोनेट नंबर एक सौ छब्बीस इसमें बारह लाइन है तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला सही नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ एक विच सेंटेंस हैज एन इन ट्रांजेटिव वर्व यानी कौन से सेंटेंस में एक इन ट्रांजिटिव वर्व है तो इन ट्रांजेटिव वर्ब वो होती है जिसमें एक्शन जो है होता है बिना ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तो यहाँ पे आपका ए वाला सही हो जाएगा ही रैन ए लॉन्ग डिस्टेंस बाकी में तो सब में सब ट्रांजेटिव है ना द बॉय किक द फुटबॉल आई फील सेवियर पेंट ड्राइवर स्टॉप ये सारी जो है ट्रांजिटिव नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ दो द शी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस एवर इज़ क्या ये सो so, एक जीरंड है ये तो बी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ तीन द शॉवर वज ओवर द शन शोन आउट अगेन तो आफ्टर द शोर वॉज ओवर है ना जब ये रुकने के बाद सन क्या हुआ निकल आया तो आपका यहाँ सी सही हो जाएगा आफ्टर एक सौ तीन का नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ चार दे आर स्टिल वर्किंग दे हैव नॉट फिनिश्ड अभी भी वो क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी भी खत्म नहीं किया है तो हैव नॉट फिनिश्ड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है एक सौ पाँच ही नोज हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स है ना तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे ए बस कॉलिडेट collided कोलाइडेट विद अ कार सी सही हो जाएगा फ्री पोजिशन हैं ये नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ सात ए बस क्रैश्ड इन टू ए कार है ना तो यहाँ बी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ आठ अ पर्सन हु हेट्स वोमैन जो एक ऐसा व्यक्ति जो वोमैन से हेट करता है उसको क्या बोलेंगे मिसो मिसोगाइनिस्ट क्वेश्चन नंबर देखिए एक सौ नो हु वन हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी ऐसा ऐसा व्यक्ति या ऐसा सोल्जर जो के पैसे के लिए लड़ता है ठीक है फाइट करता है सेक फॉर मनी तो मर्सिनरी बोलते हैं उसको मर्सिनरी एक सौ दस देखिए क्वेश्चन नंबर दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड और डिफीटेड यानी ऐसा व्यक्ति जिसे ना जीता जा सके और ना हराया जा सके वो होता है इनवेंसीबल Next, who wrote the following lines? Question number 11, The language of a large portion of every good poem, uh, except with reference to the meter, is no respect differ from that of good prose, but uh, likewise, that some of the most most uh, interesting part of the best poem will be found to be strictly the language of prose when prose is well written. The truth of this uh, assertion might be demonstrated by. इनमरेबल पैसेज फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द पोइटिकल राइटिंग इवन ऑफ मिल्टन हिमसेल्फ सो बर्ड्सवर्थ ने लिखी है लाइन्स इन प्रीवियस टू लियल बैलाट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ बारह द फिगर ऑफ स्पीच नॉट बेस्ड ऑन रिजेंबल्स ऐसा फिगर ऑफ स्पीच बताइए जो रिजेंबल्स में बेस्ड नहीं है यानी कि आपका हो जाएगा आंसर ऑक्सीमोरन ऑक्सीमोरन रिजेंबल पर बेस्ड नहीं ये कंट्रास्ट बेस्ड होता है ऑक्सीमोरन क्या होता है कंट्रास्ट बेस्ड होता है जबकि सिमिली मेटाफर परसोनीफिकेशन एस रिजेंबल बेस्ड होते हैं तो ये आपका डी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए एक सौ तेरह द फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कंट्रास्ट ऐसा फिगर ऑफ़ स्पीच बताना है जो कंट्रास्ट बेस्ड होता है ठीक तो है, है, है तो ऑक्सीमोरन मैंने अभी बताया आपको ऑग्जीमरन कंट्रास्ट बेस्ड फिगर ऑफ़ स्पीच है एंटीथीसिस भी कंट्रास्ट है और एपीग्राम भी कंट्रास्ट है तो ऑल ऑफ द दब आपका सही हो जाएगा आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ वर्ब एंड नाउन आपको इनकरेक्ट मैच वर्ब ऑफ नाउन का फाइंड आउट करना है ठीक है तो यहाँ पे एडवाइस वर्ब होती है ना आई एस ही होता है वर्ब में और नाउन में होता है सी इस तरीके से आपको देखना है बीअर और बायर बाइंड बोंड ब्लैड ये जो है ना ये इनकरेक्ट है ब्लैस ब्लैस्ड ब्लैस्ड जो है नाउन फॉर्म नहीं है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ पंद्रह द एपॉस्ट्रॉफी इज यूज टू शो द ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स ठीक है जो लेटर और लेटर्स का हमें ओमिशन करना होता है तब इसे लगाया जाता है इन द जेनेटिव केस ऑफ नाउन नाउन की जेनेटिव केस में भी यूज़ होता है अपोस्ट्रॉफी का टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स ठीक है जब हम आ, पूरा फॉर्म में चेंज करते हैं लेटर को या नाउन वगैरह को तब भी हम इसे यूज करते हैं सो ऑल ऑफ द दक्त आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ सोलह कम्प्लीट देंटेंस टेक केयर वाट यू से है ना जो कुछ भी तुम कहते हो ना उससे संभाल कर कहना यू विल हैव टू फील सॉरी योर वर्ड्स कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फील सॉरी मतलब पछताना पड़े तो आपका डी सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ सत्रह टू और मोर सिंगुलर नाउंस ठीक है दो मतलब सिंगुलर नाउन्स दो सिंगुलर नाउंस या फिर दो से ज़्यादा और प्रोनाउंस या फिर प्रोनाउंस ज्वाइन बाई एंड रिक्वायर्ड ही ठीक है दो या दो से अधिक नाउन हो या दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो वो एंड से जुड़े हों तो क्या आएगा उनमें प्लूरल वर्ब लेंगे वो है ना प्लूलर वर्ब ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमेशा एंड से जुड़े हुए दो नाउन होते हैं ना उनमें से प्लुरल वर्ब लगती है ठीक है हमेशा नहीं मतलब कुछ सेंस में वहाँ भी है ऑप्शन है ए वो मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट एक वर्ब एग्री करती है अपने सब्जेक्ट से इन नंबर एंड पर्सन ठीक है किस में करती है वो नंबर में नंबर जैसे करते हैं ना एक सिंगुलर और प्लूरल इसको हम नंबर बोलते हैं और पर्सन जैसे कि ठीक है तो आपका ये हो जाएगा सी सही नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ उन्नीस से बीस फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन आपको ये इनकरेक्ट एक सौ उन्नीस से एक सौ बीस आपको इनकरेक्ट वन वर्ड फाइंड आउट करना है एक्सप्लेनेशन से ठीक है तो एक सौ उन्नीस देखिए क्वेश्चन नंबर अ रिलीजियस सॉन्ग एक धार्मिक जो भजन होता है ना भजन कह दो भजन को हिम कहते हैं इंग्लिश में ठीक है तो ये सही है बिल्कुल और ये रिमार्केबल टैलेंट होता है प्रोड्यूजी अ रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट होता है गैलरी और यहाँ दे रखा है रिवेलरी तो ये गलत है आपका तो आंसर हो गया आपका सी वो गैलरी होता है रिवेलरी नहीं होता है ना नेक्स्ट देखिए डी वाला इज शॉर्ट बट अमेजिंग स्टोरी होता है एनेक्डॉट तो ये भी सही है ठीक है तो आपका आंसर कौन सा हो गया ये नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर एक सौ बीस अ शॉर्ट एंड क्लियर डेस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग ठीक है विजनेट और नेक्स्ट देखिए ए स्पीच ऑफ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेज इज समन ग्रिक स्टाइल ऑफ फुल वर्ड बर्बोस ठीक है आई थिंक कैप्ट इन द मेमोरी ऑफ ए पर्सन मोमेंटम ये गलत है क्योंकि इसका मतलब होता है स्पीड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ इक्कीस से एक सौ बाईस फाइंड अ फॉरन एक्सप्रेशन यहां पे आपको फॉरन एक्सप्रेशन फाउंड आउट करना जो गलत है ठीक है तो एड नॉइजम टू द पॉइंट ऑफ डिस्कस ये आपका सही है एड वॉलरम इन पोर्सन टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ टैक्सेज ये भी सही है एड वर्वम वर्ड बाई वर्ड वर्वम का मतलब ये होता है ठीक है तो आपका जो इनकरेक्ट है ना अफेयर दी एमर अलव ट्रैंगल ये आपका गलत है तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक अफेयर बाईस ऑनर सो ए मैटर ऑफ ऑनर सही है एफिकोनाडो एंड आर्ड एंड ये आपका गलत है तो आपका आंसर बी हो जाएगा बाकी ये दोनों सही है एजेंट प्रोवेकेटर इन साइट एजेंट एसपी इलाक आर्टे अकॉर्डिंग टू द मेन्यू इज सेलेक्टेड मील तो ये भी सही है तो आंसर कौन सा हो गया आपका ये वाला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ तेईस क्वेश्चन नंबर एक सौ तेईस इन ग्रामर इज़ अ वे टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर टू वॉट इज बींग सैड ठीक है ग्रामर में जब स्पीकर का वो जब हम ऐटीट्यूड बताते हैं जो कुछ वो कह रहा है उसे हम बोलते हैं मूड है ना यानी कि हम बोलते हैं ना जैसे मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा या मैं वहाँ जाऊँगा तो मतलब यहाँ मूड हो मूड की बात हो रही है जो आगे वो करने वाला यानी कि किसी ग्रामर में जब कोई स्पीकर आगे फर्दर कुछ करने वाला होता है और उसे वो पहले बताता है ना तो उसको मूड बोलते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ चौबीस इज़ यूज फॉर फैक्चुअल स्टेटमेंट एसरसन डैनियल टू आज का क्वेश्चन पॉजिटिव बिलीफ और सपोजिशन एज्यूम एज अ फैक्ट सो इंडिकेटिव मूड एंड एविडेंट मूड बोथ ए एंड बी तो आपका आंसर हो जाएगा सी बोथ एंड ए एंड बी यानी कि जब हम कोई फैक्चुअल अकाउंट बताते हैं यानी कि वास्तव में जो घटना होती है ना जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि राम स्कूल जाता है तो ये एक फैक्चुअल मतलब सही बात है वो जाता है तो ये हमारा इंडिकेटिव मूड को दिखाता है और इसे पॉजिटिव बिलीफ होते हैं या सपोजिशन पर आधारित एजेंसी एज एज्यूम्ड फैक्ट होते हैं वो एविडेंटल मोड को बताते हैं तो बहुत ए एंड बी आपका यहां सही हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ पच्चीस एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर देखिए एक्सप्रेस डायरेक्ट कमांड प्रोविजन हम्बल रिक्वेस्ट प्रेयर एंड एडवाइस तो ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा मतलब स्पीकर का ऐसा कथन जो क्या इस क्या एक्सप्रेस करता है डायरेक्ट कमांड यानी कि आज्ञा आदेश सलाह परामर्श इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है किसी वाक्य के अंदर तो वो उसमें इम्परेटिव मूड को दिखा रहा है वो स्पीकर को है ना तो इम्परेटिव मूड हो जाएगा आपका सही सो so गाइज ये थे हमारे वन क्वेश्चन और प्रैक्टिस पेपर फोर इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस पेपर फोर आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच